हेलो स्टूडेंट। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग मिनी मॉक टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। फिर से हम लोग आज 12 क्वेश्चन या सॉरी 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 हमारा ये मिनी मॉक नंबर 12 है और इससे पहले हम 11 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आपने उन्हें भी देखा है। तो मैं आपको प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मिनी मॉक टेस्ट के नाम से बना चुका हूँ, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे आपको पड़े हुए हैं 1 to 11। आज उसका मैं 12 लेक्चर लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और ये जो 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इन्हें एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन है, फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आज। एक मिनट रुकिएगा बस, अभी हम लोग वापस चल क्वेश्चन। आज का ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, इसकी वैल्यू देखिए किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए सभी को पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। तो अगर मैं इस पाई की जगह 180 पुट कर देता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, ठीक है ना। देखने को मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर 10 जब हम पहले जगह रखते हैं, दूसरे में मिलेगा हमें साइन स्क्वायर 20, ठीक है ना। फिर अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। नेक्स्ट अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस वॉच करते हैं और काफी दिन से आप देख रहे हैं तो अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े उन्हें अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने एक रूल बताया है आपको, साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 का मान 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन ये 1 तभी होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री। अगर कभी भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपको 90 डिग्री मिलता है तो ऐसे केस में इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 10 को जोड़ लें और 80 को, तो ये दोनों 90 बनाएंगे, इसलिए इनका जो इनके इनसे जो पेयर बनेगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 ये भी 90 बन जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 + 1 आपकी हो जाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए रेंज की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स के लिए काफी आसान होगा टेन इनवर्स एक्स के लिए रेंज निकालना, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स के जो रेंज होते हैं, रेंज का मतलब होता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक्स की जगह आप यहाँ पे अगर बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन जो होते हैं वो इसके होते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या आप इसी को रियल नंबर भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मिलता होगा न्यू डोमेन, तो कभी कभी आपको मिलता होगा रियल नंबर। लेकिन बात करें अगर हम इसके रेंज की, तो रेंज कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो किनके किनके बीच में रहती है, मतलब किससे नीचे नहीं जाती है और किससे ऊपर नहीं जाती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहती है, ठीक है ना। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू भी नहीं होती, क्योंकि माइनस पाई बाई टू पे टेन अनडिफाइंड हो जाता है और पाई बाई टू पे भी अनडिफाइंड, तो इनके बीच ही रहती है, ठीक है ना। आप चाहें तो इस ब्रैकेट का यूज कर लें या जैसा ऑप्शन में दिया गया है इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों को ही ओपन इंटरवल कहा जाता है। तो हमेशा इसमें ओपन इंटरवल ही यूज किया जाता है और डोमेन में भी इसकी ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन बनेगा, ना कि बी। बी ऑप्शन आपका साइन के लिए सही है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स के अगर आपके रेंज पूछे जाए तो आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए अगर सबसेट है बी का तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या होगी। सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ये बी सेट हो गया और ये हो गया सेट ए। तो हम कह सकते हैं ए है जो बी का सबसेट है, ठीक है ना। ए के सारे अवयव बी में आते हैं, लेकिन बी में कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। ये सब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होती है और ये साइन भी प्रॉपर सबसेट का। आपको वैल्यू बतानी है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का डैश भी लिख, सॉरी हमें यहाँ पे यूनियन का बताना है, तो यूनियन का बताना है तो ये इंटरसेक्शन, इसको हम लोग जो ये लिख रहे हैं ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने बताया था कि ए डैश यूनियन बी डैश अगर लिखा है कहीं भी तो उसे ए इंटरसेक्शन का बी का होल डैश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो या इसकी वैल्यू निकालनी हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें केवल ये ब्लैक ये वाला आपका एरिया कॉमन मिलेगा, ये दोनों में होगा यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन होगा। और अगर हम इसको ए में माइनस इसमें इसका डैश निकालते हैं, ठीक है ना, तो डैश निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यूनिवर्सल सेट की, ठीक है ना। तो अगर हम डैश निकालते हैं तो भाई डैश का मतलब क्या होता है, अगर हम ए का डैश निकालते हैं तो वो होता है यू माइनस ए। तो अगर हम ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसमें जब हम यू के साथ माइनस करेंगे तो जो भी माइनस करते हैं उसका कोई एलिमेंट नहीं लिया जाता, तो ये वाला एरिया छोड़ के, ये वाला एरिया छोड़ के इसके पीछे का पूरा एरिया ले लिया जाएगा, यानी कि ये एरिया, ये पूरा एरिया आपका ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसे हम ए डैश भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए डैश निकालें तो भी तो यही आएगा, क्योंकि ए डैश यू माइनस ए होगा, तो ए के सारे एलिमेंट यू में माइनस हो जाएंगे तो भी तो ये कंडीशन मिलेगी। मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर ए डैश टिक करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा, तो ए डैश यानी कि आंसर नंबर ए करेंगे। इनको करने का सबसे अच्छा मेथड होता है वेन डायग्राम से करना, ओके। चलिए तो इस पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है। लेकिन आपको ये याद रखना है जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ। तो रूल क्या है कि अगर कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूट्स में a प्लस b प्लस c का मान जीरो आ जाए, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो, अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो है तो हमेशा इसका एक रूट वन होता है और दूसरा होता है c अपॉन a। एक छोटा सा रूल है और बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। अब जैसे आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो लिखा है q माइनस r x स्क्वायर प्लस r माइनस p x प्लस p माइनस q बराबर जीरो। तो यहाँ पे अगर a देखें तो a q माइनस r है और b देखें तो r माइनस p है और ये है आपका p माइनस q। तो देखिए p से p कट जाएगा आपका, q से q कट जाएगा और r से r कट जाएगा, मतलब a प्लस b प्लस c जीरो है। तो इसका एक रूट तो वन हो गया और दूसरा रूट होगा c अपॉन है, तो c p माइनस q है और a है आपका q माइनस r, तो p माइनस q अपॉन q माइनस r इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर b। तो इस क्वेश्चन का आंसर b करें, क्लियर है। तो इस रूल को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, इस रूल की मदद से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है लॉगरिथम का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए लॉग बेस में 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10
एंड आगे भी इसी तरीके से कॉन्टिन्यू है इनफाइनाइट तक। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको रूट के अंदर लगातार इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिखता हुआ मिल रहा है तो जो भी नंबर लिखा होता है उसका आंसर वही होता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मान 2 होता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या क्या लिखा जा रहा है, 10 10 10, तो इसका मान 10 हो जाता है। इसको 10 और 10 यानी दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 1 है और मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी आपको रूट 3 दिया है। कितना दिया है? रूट 3 दिया है। ये क्वेश्चन रूट 3 दिया है आपसे, कह रहा है देन द एंगल बिटवीन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए हम सभी लोग को जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी जो आपको हमें रूट 3 दिया है क्वेश्चन में, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर 3। मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू आपको 2 दी गई है तो ये 4 आ जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 1 दी गई है, माइनस 2 यहाँ पे आपको 2 दिया है, ये 1 दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो हमें मिलता है 1/2, तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री, जिसको हम लोग 5/3 लिखेंगे। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5/3। ओके, तो 5/3 यानी कि इसका आंसर सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बता दें। डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हम इस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स, और लेकिन एक्स स्क्वायर तो होता है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और हमने ये लेट किया है कि ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये एक्स है, तो एक्स का दोबारा करना पड़ेगा 2x, 2x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2x अपॉन √ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन cos x + sin x अपॉन 1 माइनस sin 2x, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos x + sin x, इंटीग्रेशन cos x + sin x अपॉन 1 माइनस sin 2x। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin x * cos x, 1 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin square x + cos square x। तो कंप्लीटली इसको हम लिख सकते हैं cos x + sin x का अपॉन, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएट पूरा ऊपर मिलता है तो ये बन जाएगा 1/x², और 1/x² का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/x, लेकिन x की जगह था कितना साइन x माइनस का cos x, तो ये आपका आंसर होगा। अब आप चाहें तो इसको माइनस कॉमन लेके cos x माइनस साइन x भी लिख सकते हैं,
और वही शायद ऑप्शन में भी दिख रहा है बी में, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। माइनस कॉमन लेंगे, ये पहले आ जाएगा और ये बाद, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 0 से 1 लिमिट दी है इंटीग्रेशन में, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए इसको कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कभी भी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के अगर सेम है तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में आपको हमेशा ऊपर की डिग्री क्या है, कम रखनी होगी नीचे वाले से। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 0 से 1, 1 माइनस एक्स जो लिखा है ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये लिखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हम लोग जो नीचे लिखा है वही ऊपर बना लेंगे। तो हम एक माइनस वन और एक प्लस वन कर, ये आ जाएगा 0 से 1, 2 माइनस 1 प्लस एक्स। देखिए बात वही हो गई, हो गई बात वही, बात वही आ जाएगी। अब अगर मैं इसको इधर डिवाइड करूं तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है 0 से 1, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये बनता है माइनस का 1। एंट्री इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 लॉग 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, 1 का हो जाएगा माइनस एक्स, जिसमें लिमिट लगा लेंगे 0 से 1, 1 लिमिट लगाएंगे तो ये मिल जाएगा 2 लॉग 2, और ये माइनस का 1, 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, मतलब डिग्री का मतलब होता है कोटि से, कि कोटि क्या होगी। दो चीजें होती है ना, एक कोट और घाट, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि अगर हमें डिग्री निकालनी है तो इसके लिए सबसे पहले ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो ये लिखी है आपके पास, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस माइनस 3 डी टू वाई डी एक्स टू प्लस प्लस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो उसकी होल पावर 2/3 लगती है। देखिए हमेशा आपको डिग्री ऑर्डर निकालते समय ये पावर नहीं दिखती, अगर ये पावर कहीं दिख रही है तो सबसे पहले आप इसको हटाइए। तो दोनों साइड हम क्यूब कर लेते हैं, जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो हाँ ये 3 हट जाएगा और कहीं ना कहीं हमें ये मिल जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की होल पावर 2। और बाकी को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो 3 डी टू वाई डी एक्स टू माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 4, इधर क्यूब हो जाएगा, दोनों साइड क्यूब किया। अब देखिए इसके इसकी वैल्यू कुछ भी आए, हमें मैटर हमारे लिए मैटर करती ही नहीं है वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर चाहिए सबसे पहले। ऑर्डर जिसको जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है वही होता है। तो इसको मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। जिसका हम लोग ऑर्डर निकालते हैं उसी की डिग्री निकालते हैं। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, तो डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री मतलब जो पावर लगी है 2, तो आंसर इसका 2 करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, अब हमारे पास आगे इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन हम लोग लाए थे आज उसे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ कि हमारी क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं और 22 तारीख से यानी कि कल से हमारा एक नया बैच आ रहा है, गार्ड बैच, ठीक है ना, इस पर आप तैयारी कर सकते हैं एक्स और वाई के लिए, यानी कि एक्स और वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बैच कल से आ रहा है, गार्ड बैच है एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए, जिसमें आपको प्रियांक प्रकाश सर रागा पढ़ाएंगे और मैं आपको वहाँ पे मैथ पढ़ाऊंगा एक्स एंड वाई की, और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी आपको, फिजिक्स जनरल स्टडीज रीजनिंग सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सारे फेवरेट एजुकेटर से अनअकैडमी के, आपको एक फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने को मिल रहा है, अच्छे टीचरों से पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, कल से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ ऑफर्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं प्लस पे,
कि जो भी बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एनडीए वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक ऑफर और है हमारे पास, वो ऑफर ये है कि जो भी बच्चे एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन भी करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप 12 महीने के लिए एनडीए का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यानी कि 1 साल के लिए, तो आपको 12 महीने के लिए एसएसबी का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑफर है आपके लिए, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और जो कल से हमारा बैच आ रहा है एयरफोर्स गार्ड बैच, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कल से, ठीक है ना। तो एक अच्छा बैच रहेगा आपके लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी वहां पे हो जाएगी, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 13 में। थैंक यू।